आर्मी आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग का एक और से नए से ब्लॉग में स्वागत है, और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, समझिए वीडियो को। और अभी हम लोग जा रहे हैं उमेश भाई के शॉप पे, कुछ सामान बाय करना है हेला के लिए, तो वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं श्याम ऑटो के बाहर, अभी यहाँ पे पहुँच गए और आप लोग को ये जो आवाज आ रहा है पी पा पो, तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं उमेश भाई है कि नहीं, और वहीं पे कुलेट वगैरह का जो सीन है आप लोग को दिखाते हैं। इधर अंदर आने के बाद अभी सीन क्या हुआ कि उमेश भाई अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो विदाउट उमेश भाई के वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कूलेंट जो है अभी ये रहा यहाँ पे, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सो यहाँ पे ये रहा वो कूलेंट, जो कूलेंट हम लोग गाड़ी में डलवाएंगे, और ये कूलेंट सारे गाड़ी में शायद नहीं डलेगा। और ये लिक्विड मोली का RAF 12 प्लस है, जो आपका रेड कलर का कूलेंट आता है, ये रहा रेड कलर। और ये जो है आपका प्राइस है इसका 460 प्राइस है, और इसका जो रिफिलिंग होगा वो आप लोग को घर पे शो करेंगे। तो यही था जो कूलेंट था, और आप लोग अगर किसी भी गाड़ी में कूलेंट चेंज करवाइएगा तो यहीं पे हो जाएगा श्याम ऑटो एसेसरीज में। और इसका जो कॉस्टिंग पड़ेगा आपको, जो लेबर चार्ज है वो आपको 100 रुपीज पड़ेगा कोई भी गाड़ी का। तो चलते हैं वापस घर की ओर, और वहीं पे आप लोग को दिखाते हैं रिफिलिंग, जो बताएं हम कि घर पे ही करेंगे। यहाँ पे रिफिलिंग ना करवाने का रीज़न क्या है कि भाई आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे घर पे ही कि कैसे कूलेंट वगैरह चेंज कर रहे हैं हम। तो बाकी आप लोग यहाँ पे आके आराम से आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हो जाता है। The next day. So, यहाँ पे हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं, और लाइक अपने घर के नीचे, और आप लोग को ज़्यादा ये वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। और जो बेसिक चीज़ है, जो लोग मतलब लाइक बेसिक सा प्रोसीजर है, वो चीज़ आप लोग को शो करेंगे। पूरा प्रोसीजर शो करने में यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मेरा ज़रूरी है, और सेटिस्फैक्शन के लिए 1-2 घंटा का काम मेरा यहाँ पर भी लगने वाला है। तो आप लोग को बेसिक सारा दिखा देंगे क्या क्या करना है और क्या क्या पैनल वगैरह खुलते हैं। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे हेला के पास आ चुके हैं, और कूलेंट चेंज करने के लिए सबसे पहला तो ये बेली हेला का खोलना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कैप है ये इजीली नहीं खुलेगा। तो यहाँ से आपको 4 mm का हेक्स की और जो रिविट आता है प्लस वाला, वो आप लोगों को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रिविट और 1 4 mm का हेक्स की है, और बाकी बेली पे 4 नट रहता है 4 mm का, वो आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये पैनल अभी खुल चुका है रेडिएटर कैप ओपन करने के लिए, और फिर आपका ये बेली पैनल भी खुल चुका है, और जो रेडिएटर का रिजर्वायर जो है कूलेंट का, उसका कैप भी अपन लोग खोल दिया है। तो आप लोग को चलिए कूलेंट का ड्रेनेज दिखाते हैं अभी, कैसे ड्रेन होगा कूलेंट। तो अभी इट्स लाइक रिजर्वायर से मेरा कूलेंट सारा निकल रहा है, और उसके बाद जो मेन इंजन है उससे कूलेंट निकालना है। देख लेते कितना देर में ये निकलेगा, तब तक वेट करते हैं। और क्या तो ये सब तो चलिए बेसिक चीज़ हो गया जो आप लोगों को दिखाया। तो अब क्या करना है, जो कूलेंट का जो नट है जिसको खोल के अपन लोग ड्रेनेज किए हैं, उसको वापस लगाएंगे, और इसमें अब डिस्टिल्ड वाटर फिल करेंगे। और डिस्टिल्ड वाटर फिल करने के बाद, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है। तो डिस्टिल्ड वाटर फिल करने के बाद हम लोग उसको 5 से 10 मिनट तक चालू करेंगे, एक बार फैन ऑन करेंगे, एक बार जो डिस्टिल्ड वाटर उसका रोटेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस से उसको ड्रेन कर देंगे, फिर का प्रोसेस आगे दिखाते हैं। चलो, तो ये था टिल ड्रेनेज। तो अब ड्रेनेज के बाद जो फ्लशिंग का जो पार्ट है, वो फ्लशिंग का पार्ट अभी आएगा, जिसको लाइक डिस्टिल वाटर से फ्लश करेंगे, इन्वर्टर का जो बैटरी में पानी डलाता है उससे फ्लश करेंगे रेडिएटर को। तो बेसिकली कुछ करना नहीं, वापस से ड्रेन, जैसे कि आप रिफिल करते हैं कूलेंट को, वैसे ही आपको कूलेंट की जगह आपको वो डिस्टिल वाटर फिल करना पड़ेगा। आप वो 8 mm का जो बोल्ट था वापस से लगा दीजिएगा,
और उसके बाद ऊपर से कैप लगा दीजिएगा टिल इंजन ऑन रखिएगा जब तक फैन ऑन ना हो, उसके बाद फिर वो वापस से ड्रेन करना पड़ेगा और उसके बाद होगा कूलेंट रिफिलिंग। तो चलिए डिस्टिल वाटर अभी फिल करके डायरेक्ट आप लोगों को कूलेंट रिफिलिंग तक। गाइस वापस से यहाँ पे फ्लशिंग का काम हो चुका है कंप्लीट और सीन क्या हुआ है कि अभी जैसे कि यहाँ से वाटर ड्रेन हो रहा है ठीक है, और ज़्यादा वाटर ड्रेन नहीं हो रहा है क्योंकि इधर ऊपर से कैप अपन लोग खोले नहीं है, अभी डर लग रहा है कि ये कैप कहीं ऊपर बूम खुल ना जाए। सो थोड़ा वाटर ड्रेन होने देते, उसका जब प्रेशर थोड़ा कमेगा उसके बाद ये कैप खोला जाएगा और कूलेंट रिफिलिंग का तो आप लोग को दिखाना ही है। तो बहुत देर से क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जो रेडिएटर का हाफ वाटर था वो निकल नहीं रहा था, तो उसके लिए जो रेडिएटर से पाइप निकलता है उसको मेरे को, ये जो पाइप है उसको मेरे को लाइक रिमूव करना ही पड़ा, तभी जाके फुल्ली ड्रेन हुआ वाटर। तो काफ़ी वक्त लग गया इस चीज़ को समझने में, तो भाई आप लोग के लिए आसान पड़ेगा जो दो जो जो स्टेप आप लोग को बता रहे हैं। सो अभी सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अभी है बारी कूलेंट रिफिलिंग का, तो चलिए कैसे डालें, इसी से डालते हैं हल्का हल्का करके। जो कूलेंट है लाल लाल कूलेंट, ओ सॉरी इट्स अ पिंक कूलेंट नॉट लाल, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नहीं तो ना वेस्ट नहीं होना चाहिए कूलेंट, बस दिक्कत हो जाएगा वेस्ट अगर हुआ तो। अभी एयर लिया हुआ है सिस्टम में, तो आप लोग को अभी क्या बोलते हैं उसको टाइम लैप्स में आप लोगों को दिखाते हैं। सो फाइनली वर्क इज डन बॉय एंड हम लोग अब चलेंगे राइड पे और चेक करेंगे कि इंजन कितने देर में हीट अप हो रहा है और इस कूलेंट का रिव्यू क्या देंगे, लाइक रिव्यू मॉनिटर अच्छा ही कूलेंट होगा, खराब तो होगा नहीं।